वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। बॉलीवुड ने फिल्म प्रेमियों के लिए आज का दिन काफ़ी स्पेशल बना दिया। हाल ही में यशराज बैनर ने अपनी 5 फिल्मों की रिलीज का ऐलान किया है। अब शुक्रवार को भी 5 और अहम फिल्मों के इसी साल सिनेमाघरों में आने की तारीखों का ऐलान किया गया है। इनमें रणवीर सिंह की भारतीय क्रिकेट पर आधारित फिल्म 83 भी है। अब जहां एक के बाद एक 6 फिल्मों की घोषणा कर दी गई है, बेल बॉटम, अतरंगी रे, चंडीगढ़, कड़े आशिकी, झुंड, रणबीर, श्रद्धा की फिल्म और अब 83। सबको मिलाकर अब तक लगभग 20 फिल्मों की रिलीज डेट फाइनल हो चुकी है। कबीर खान निर्देशित 83 हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज होगी। रणवीर सिंह ने यह जानकारी ट्विटर पर शेयर की है। वहीं 11 मार्च को राजकुमार राव, जानवी कपूर और वरुण शर्मा की हॉरर थ्रिलर फिल्म रूही आ रही है। यह फिल्म स्त्री के संसार को आगे बढ़ा रही है। 19 मार्च को अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की संदीप और पिंकी फरार रिलीज होगी, जिसका निर्माण यशराज फिल्म्स ने किया है। इसके बाद राणा दग्गुबाती और पुलकित सम्राट की हाथी मेरे साथ ही 26 तारीख को आएगी। यह फिल्म तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज की जाएगी। मार्च के आखिरी वीकेंड में होली का त्यौहार है। इस फेस्टिवल वीकेंड में फिलहाल यही एक फिल्म रिलीज होने की खबर है। अब बात करें अक्षय, अजय, रणवीर सिंह की, जो सूर्यवंशी में 2 अप्रैल को दिखाई देंगे। सूर्यवंशी में अक्षय कुमार के साथ अजय देवगन के सिंघम अवतार और रणवीर सिंह के सिम्बा अवतार का भी अलग ही तड़का मिलने वाला है। दर्शकों ने इससे पहले किसी फिल्म में इन तिकड़ी का कमाल स्क्रीन पर नहीं देखा होगा। वहीं अप्रैल में यशराज बैनर की बंटी और बबली 2 रिलीज होगी, जिसमें सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, सिद्धांत चतुर्वेदी और शर्वरी लीड रोल्स में है। वहीं मई के ईद के मौके पर 2 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। सलमान खान की राधे या मोस्ट वांटेड भाई और जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम की रिलीज डेट को लेकर संशय बना हुआ था, जो अब दूर हो चुका है। 28 मई को अक्षय कुमार की बेल बॉटम आ रही है। बता दें कि इन सभी फिल्मों में फैंस को अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।